अच्छा ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रो कैरियर किंगडम मोनेरा फाइव किंगडम सिस्टम। इससे पहले जब डिस्कस हुआ था तो हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर फाइव किंगडम में हमने क्लासिफाई किया है। उसमें एक था किंगडम प्रो कैरियर या किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जब एज अटर ने प्रो कैरियर और यू कैरियर की टर्म डिस्कवर की उस वक्त ये बना था। प्रोकैरियोटिक किंगडम के अंदर हमने तमाम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करने हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इट मींस कि न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट इंक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। विदाउट न्यूक्लियस या न्यूक्लियर इनवेल मेम्ब्रेन बाउंडिंग न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। द लैक ट्रू न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोट। ये एंटोन वेन लियोन ने पहली बार डिस्कवर की थी प्रोकैरियोट। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया को जो इनिशियल टाइम में पाए जाते थे, उसकी कंपोजिशन सेल वॉल की डिफरेंट है एज कंपेयर टू यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया को कहते हैं। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से कि बैक्टीरिया क्या है, ये प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और उनकी शेप किस तरह की। जो भी एक बैक्टीरियल सेल होगा उसके अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होगा। न्यूक्लियर मटेरियल, अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मटेरियल के दरमियान में साइटोप्लाज्म होगा। ये जो इसके अलावा प्रोटीन सेंसेस के लिए राइबोसोम भी होगा। तो ये बेसिक कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट कि राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मटेरियल, ये हर बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं जिस तरह की मर्जी शेप हो या जो भी स्पीशी हो बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें स्लाइम कैप्सूल या सेल वॉल होती है या फ्लैजेला है या पिलाई। ये स्ट्रक्चर हम फर्दर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। इनका जो साइज है वो वेरी करता है। कुछ ऐसे हैं जिनका 0.1 माइक्रोमीटर है और कुछ ऐसे हैं जिनका 600 माइक्रोमीटर है। वेरी करता है साइज फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरिया। मोस्ट नोन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इसका जो डायमीटर है 100 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर है। सबसे स्मॉलेस्ट है। ये जो साइज है इसका, ये सबसे लार्जेस्ट वायरस जितना है। सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा था? लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस। इस पॉक्स वायरस के साइज के बराबर ये सबसे स्मॉल है। यानी कि सबसे बड़ा वायरस और सबसे छोटा बैक्टीरिया उसका साइज सेम है। यानी कि ये बैक्टीरिया वायरसेस से बड़े होते हैं और मैक्सिमम 600 माइक्रोमीटर तक भी हो सकते हैं। अब इसके बाद ये एमसीक्यूज के लिए याद करते हैं। स्क्रीशिया कोलाई ये ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर है और 2 टू 6 माइक्रोमीटर लेंथ वाइज है कि इसकी लेंथ 2 टू 6 माइक्रोमीटर है और विड्थ 1.5 टू 1.5
1.1 to 1.5 micrometer है। इसके बाद स्पाइरोजेट है, स्पाइरोजेट ये भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये 500 माइक्रोमीटर तक इनका साइज है। इसके बाद ह्यूज बैक्टीरिया, कि व्हाट इज ह्यूज बैक्टीरियम, ह्यूज बैक्टीरियम, ह्यूज मीन लार्जेस्ट बैक्टीरियम। सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरियम जो डिस्कवर हुआ वो ब्राउन सर्जन फिश में डिस्कवर हुआ, उसका नाम था एपेरेंथस नेग्रोफिस्कस, इसके इंटेस्टाइन में था। तो ब्राउन सर्जन फिश इसकी इंटेस्टाइन के अंदर, इस बैक्टीरिया का नाम था इपीरियोबिशम फिश, सॉरी इसका जो साइज है उसके बारे में कहा जाता है कि इसका साइज 600 माइक्रोमीटर था। सबसे लार्जेस्ट इस बैक्टीरिया का नाम इपीरियोपिशियम फिशसोनी था। ये एक ब्राउन सर्जन फिश में पाया जाता है जिसका नाम था एक्रेंथस नेग्रोफिस्कस। ये शार्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूज बैक्टीरियम, कौन सा है ह्यूज बैक्टीरियम, ये शार्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है शेप ऑफ बैक्टीरिया, इसमें डिफरेंट शेप है बैक्टीरिया की, उसमें सबसे पहले कोकाई या कोकस आ जाता है, रॉड शेप बैक्टीरिया को, रॉड शेप नहीं बल्कि स्फेरिकल बैक्टीरिया को, स्फेरिकल बैक्टीरिया को कोकाई या कोकस कहते हैं। ये जो स्फेरिकल शेप है इस बैक्टीरिया को कोकाई या कोकस बोलते हैं। ये स्फेरिकल शेप होगी, इसके बाद स्फेरिकल और ओवल शेप, अगर दो कोकाई आपस में कटे हुए तो उसे कहते हैं डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस इन वन प्लेन। अगर वन प्लेन में चेन ऑफ बैक्टीरिया हो उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, स्ट्रेप्टो मीन चेन, चेन इन वन प्लेन, चेन इन वन प्लेन इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद अगर टू प्लेन में हूं, जिस तरह ये प्लेन है कि ये दूसरी प्लेन है, इसको कहते हैं टेट्रेड, टेट्रेड। इसके बाद अगर थ्री प्लेन में, थ्री प्लेन में हूं तो उसे कहते हैं सरसीन, इसके बाद अगर इरेगुलर हो, इरेगुलर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेप्स लाइक, ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस हो, यानी कि अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया इरेगुलर शेप में होंगे इस तरह, तो उसको कहते हैं स्टाइफाइलोकोकस। तो कोकाई बैक्टीरिया एक डिफरेंट फॉर्म में डिप्लोकोकस, टू होंगे स्ट्रेप्टोकोकस प्लेन में होंगे, टू प्लेन में होंगे टेट्रेड, फोर एट थ्री प्लेन में होंगे, थ्री प्लेन उसे कहते हैं सरसीना, सरसीना। इसके बाद अगर क्लस्टर में होंगे इरेगुलर तो उसे कहते हैं स्टाइफाइलोकोकस, स्टाइफाइलोकोकस होंगे वो। अब इसके बाद कुछ है लार्ज शेप में, उन्हें कहते हैं बेसिलाई या बेसिलस, लार्ज शेप इस तरह की स्ट्रक्चर होगी उनकी, लार्ज शेप। तो लार्ज शेप में जो दो होंगे उसे कहते हैं डिप्लोबेसिलस,
और डिप्लोबेसिलस होंगे, इस तरह जो एक चेन की फॉर्म होंगे उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। ये स्ट्रेप्टोबेसिलस होंगे, तो डिप्लोबेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस होंगे, इसकी टू टाइप्स होंगी। अब डिप्लोस और स्ट्रेप्टोबेसिलस है ये वन प्लेन में होंगे दोनों। इसकी एग्जांपल है बेसिलस सबटेलिस, बेसिलस सबटेलिस, और इसकी सीडोमोनास एग्जांपल है डिप्लोकोकस जो है ई कोलाई, ये डिप्लोकोकस होता है, इस तरह की इसकी शेप है डिप्लोकोकस। अब इसके बाद कोकाई और बेसिलाई के बाद स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल स्प्रिंग की तरह के जो क्वाइल फॉर्म में होते हैं उसे स्पाइरल कहते हैं। उसमें सबसे पहले विब्रियो आ जाते हैं, उसे कहते हैं कोमा शेप। कोमा शेप जो होंगे स्पाइरल में इस तरह के बैक्टीरिया होंगे उसे कहते हैं विब्रियो। इसके बाद आ जाता है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम थिक एंड रिजिड स्पाइरल होंगे, थिक रिजिड स्पाइरल। जबकि जो स्पैरोजेट हैं ये होंगे थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल। तो स्पैरोजेट थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पाइरोजेट थिक और रिजिड होते हैं, जबकि विब्रियोस कॉमा शेप होते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है शेप, अगर शेप का लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इसमें कोकाई आ जाता है, दूसरा बेसिल आ जाता है, तीसरा शेप स्पाइरल शेप आ जाता है। तो अभी हमने साइज देखी है और शेप ऑफ बैक्टीरिया देखी है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज़।